बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में, और वैक्सीन के मुतल्लिक एक न्यूज़ सामने आ रखी है कुछ, आप हाजी को मैं अपडेट कर देता हूँ। न्यूज़ क्या है जी वैक्सीन के मुतल्लिक कि भाई आपको तीसरी डोज सऊदी अरबिया में लगवाना लाजम होगी क्या, या जो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं, फ्लैट्स बंद हैं जी, फ्लैट्स का इंतजार कर रहे हैं, पहले ही बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से ने एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगवाई है जी, आपने उस टाइम जो वैक्सीन सेंटर थे उनके ऊपर रश वगैरह के मुतल्लिक देखा होगा क्या सूरत हाल थी। अगर जिन मेरे भाइयों ने चाइना लगवाई हुई थी प्लस अभी बूस्टर लगवाया है, तो भाई उनके लिए क्या मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो तीसरी डोज लगना शुरू हो चुकी है इस वैक्सीन की। तो भाई इसके मतलब थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ मैं। पहले तो कोरोना वायरस का भाई डेल्टा वायरस न्यू आ चुका है जी, और बरतानिया में पढ़ रहा था इसके केस भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि एक और इसकी लहर है जी, और ये दूसरी लहरों से थोड़ा शदीद, यानी कि दूसरी लहरों से ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। तो इसी लिहाज से भाई वैक्सीन की तीसरी डोज लगानी सऊदी अरब में शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये इसलिए लगानी शुरू कर दी गई है कि अगर आप जब दूसरी डोज लगवाते हैं ना, फाइजर खासकर और एस्ट्राजेनेका, यानी कि जो भी सऊदी अरब ने मंजूर शुदा है, जॉनसन वगैरह, तो इनमें से भाई ये होता है कि आपके 95 यानी कि 95% चांस हो जाते हैं आपके आपको इस वायरस से महफूज रखने के, ठीक है जी। और सॉरी फाइजर के मुतल्लिक तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि फाइजर वैक्सीन ऐसी है जी, जिन बंदों ने दोनों डोज ली हुई है, 6 माह तक ये इस वायरस का उनके ऊपर असर बिल्कुल नहीं होगा, 95% लिखा हुआ था। यानी कि तो बहरहाल तीसरी डोज पहले तो बुजुर्ग अफराद को लगना शुरू हो चुकी थी सऊदी अरेबिया में, और अभी इसके मुतल्लक यानी कि इसको कम कर दिया गया। जैसा कि पहले आपको पता, दूसरी डोज पहले 50 साल प्लस था, फिर 40 साल कर दिया गया, फिर 30 साल कर दिया गया, तो ऐसे ही पहले बुजुर्ग अफराद को लगाई जा रही थी, लेकिन अभी 18 साल से जितने भी जायद उम्र के अफराद हैं उन सबको लगानी शुरू कर दी गई है सऊदी अरब में। अच्छा, इसमें लाजम नहीं है, आप तवक्कलना के ऊपर इम्यून है जी, आपको पता है आप इम्यून ही रहेंगे, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाजम नहीं है आपके ऊपर, लाजम नहीं होगी। जैसा कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज हमारे ऊपर लाजम की गई है पूरी दुनिया में, क्या भाई पूरी दुनिया में भी और सऊदी अरेबिया में भी, लेकिन तीसरी डोज लाजम नहीं की गई है। हाँ, आने वाले वक्त में इसको लाजम कर दिया जाए तो ये एक अलग बात है। आप भाई अभी जो सऊदी अरब में मेरे भाई मुकीम हैं, जैसा कि मैं खुद से हूँ, मुझे अभी 6 माह नहीं हुए हैं ये तीसरी डोज लिए हुए, जब मुझे 6 माह गुजर जाएंगे तो मैं तीसरी डोज भाई खुद से ज़रूर लगवाऊंगा। एक तो ये कि 6 माह बाद आपको ये लग सकती है, दूसरा ये कि अभी लाजम नहीं है, आने वाले वक्त में ये लाजम हो जाएगी मुझे लग रहा है। बहरहाल तो अगर बात करें फ्लैट्स के मुतल्लिक, जो मेरे भाई फ्लैट्स बंद हैं तो आना चाहते हैं, तो आपके ऊपर भी भाई कोई किसी किस्म की इस तीसरी डोज को लेकर कोई पाबंदी नहीं है जी। आपने दोनों डोज कंप्लीट की हुई है, चाइना की है तो प्लस बूस्टर के साथ आप नादरा का सर्टिफिकेट रखे अपने पास, 2 नंबर मत रखिएगा, खुदा का नाम है पहले पाकिस्तानी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो भाई आप जैसे ही फ्लैट्स ओपन होंगी आप सऊदी अरेबिया का सफर कर सकेंगे, आपको नो टेंशन जी, आपने घबराना नहीं है बस, ठीक है जी। तो भाई आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं, दोनों डोज के साथ ही आ सकते हैं, तीसरी डोज आपको लाजम नहीं है और ना ही ये सऊदी अरेबिया में अभी तक लाजम है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है खुद से कि ये लाजम होगी सऊदी अरेबिया में। तो बहरहाल जब तक ये लाजम होगी तब तक आपका और मेरा भी टाइम आ चुका होगा, यानी कि पहली सेकंड डोज को 6 माह गुजर चुके होंगे, तो हम इसे भी जरूर लगवाएंगे।